मैं इस अवसर पर 116 जिलों के सार्वजनिक सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से लाखों लाख ग्रामवासी सज्जनों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और मजदूर भाइयों और बहनों की ओर से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस अवसर पर हमारे 6 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्रीमान नीतीश कुमार जी, श्रीमान अशोक गहलोत साहब, श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, श्रीमान हेमंत सोरेन जी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक साहब के प्रतिनिधि श्रीमान प्रताप जैना जी, केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, राज्य सरकारों के ग्रामीण विकास मंत्रीगण और इस अभियान से जुड़े लाखों लाख भाइयों और बहनों का मैं हृदय से इस मौके पर इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूँ। आप सबके ध्यान में है कि हमारा देश और दुनिया कोरोना वायरस संकट के दौर में काफ़ी असुविधा का सामना कर रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जब लॉकडाउन घोषित हुआ उस समय भी प्रधानमंत्री जी के मन में गांव, गरीब, किसान और मजदूर ये प्राथमिकता पर रहे और उस समय 1,70,000 करोड़ का पैकेज देकर निश्चित रूप से जो समस्याएं उस समय उत्पन्न हो सकती थी मौलिक आवश्यकताओं की दृष्टि से, मौलिक सुविधाओं की दृष्टि से, वो न हो, इसमें निश्चित रूप से उस पैकेज के कारण पूरे देश भर में बहुत सुविधा हुई। और इसी प्रकार से जब 12 मई को प्रधानमंत्री जी ने 20,00,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया उस समय भी मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ध्यान में आएगा कि एक तरफ आर्थिक व्यवस्था को बल देना यह मुख्य उद्देश्य पैकेज का था ही, लेकिन साथ ही साथ कृषि का क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, रोजगार के अवसरों का सृजन का क्षेत्र हो, इन सब को समाहित करते हुए 20,00,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। उसका क्रियान्वयन राज्यों के साथ मिलकर प्रारंभ हो रहा है, उसके भी परिणाम निश्चित रूप से परिलक्षित आने वाले कल में होंगे ही। कोरोना वायरस के संकट के दौर में हम सबको बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी का सशक्त नेतृत्व हम सब लोगों के साथ रहा और प्रधानमंत्री जी ने जो योग्य रणनीति बनाई, राज्यों के साथ उसका मिलकर क्रियान्वयन किया गया, उसके कारण निश्चित रूप से इस असुविधा को सुविधा में बदलने में भारतवर्ष काफ़ी सफल रहा है। हम सबको मालूम है कि इसी वायरस के संकट के दौरान अनेक स्थानों पर जो हमारे मजदूर भाई और बहन अपने घर से दूरस्थ इलाकों में अपनी आय वृद्धि को लेकर काम करने के लिए जाते थे, वायरस संकट के दौरान वो सारे के सारे लोग अपने घरों पर लौटे हैं तो निश्चित रूप से उनको वहाँ भी रोजगार की आवश्यकता होगी और इस रोजगार की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए सरकार के भी अपने दायित्व हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी की जो दूरदृष्टि है, मैं निश्चित रूप से उसकी बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर इस योजना को न सिर्फ योजित किया वरना तत्काल उसका शुभारंभ करने के लिए भी हम सबके साथ आज वो उपस्थित हैं। यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में संपन्न होगा। यह केंद्र सरकार की विभिन्न जो योजनाएं 11 मंत्रालयों की है उनके तालमेल से इसका निश्चित रूप से नीचे तक क्रियान्वयन होगा। यह अभियान
125 दिनों तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत 25 कार्य प्रमुख रूप से चिन्हित किए गए हैं, जो 25 कार्य नीचे तक क्रियान्वित किए जाएंगे, अमल किया जाएगा, उसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर बहुत तेजी के साथ सृजित होंगे और 125 दिनों तक एक अभियान बनाकर इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का निश्चित रूप से ये बड़ा उपक्रम है और मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस गरीब कल्याण योजना के शुभारंभ के लिए हम सबके मध्य मौजूद हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद। श्री ग्रामीण विकास मंत्रालय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के यहाँ इस कार्यक्रम में संबद्ध माननीय मुख्यमंत्रीगण, उड़ीसा और झारखंड के अन्य मंत्रीगण, अधिकारीगण, हम लोगों के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार साध्वी निरंजन ज्योति जी, हमारे राज्य सरकार के माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्री श्रवण कुमार जी, खगड़िया के माननीय सांसद जनाब महबूब अली कैसर साहब, खगड़िया जिले के बेलदौर के माननीय विधायक श्री पन्नालाल पटेल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए अधिकारीगण, देवियों एवं सज्जनों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है आज, और ये बहुत बड़ी बात है। जो कोरोना वायरस का असर हुआ कोविड-19 का, और उसके लिए अपने देश में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च को घोषित किया लॉकडाउन का, और वो 25 मार्च से लेकर के लगातार 4 खंडों में लगभग 31 मई तक रहा है, और उस बीच में कई राज्यों के लोग जो दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं, वैसे लोगों को काफ़ी कष्ट हुआ, और ख़ास करके हमने तो इन सब चीज़ों की चर्चा पूर्व में कर दी है, हमारे बिहार के लोगों को जो दूसरे राज्यों में काम करते रहे हैं उनको काफ़ी कष्ट हुआ, उनके लिए हम लोगों ने तो संपर्क उनका रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से भी उनको हम लोगों ने मदद किया प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये का, करीब करीब 21 लाख लोगों का। और जब बाद में गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने इसका प्रावधान किया 29 अप्रैल को, और व्यवस्था किया ट्रेन का, ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों को रेलगाड़ियों से अपने राज्यों में जाने का अवसर मिला। हम लोगों के यहाँ तो बड़ी संख्या में ट्रेन से 15,000 से भी ज़्यादा ट्रेन में लोग आए, और 15 लाख से भी ज़्यादा लोग ट्रेन से आए, और बाकी बहुत सारे लोग तो 20 लाख से ज़्यादा, और बाकी लोग तो कुछ आ गए अन्य मार्ग से, सड़क मार्ग से भी, और कई लोगों की तो आदत अलग अलग होती है, तो बहुत लोग तो पैदल और कैसे कैसे भी, जब इस पर पाबंदी थी तब भी चलकर आते रहे, वो तो एक अलग प्रश्न है। लेकिन जब ये निर्णय लिया गया तो हम लोगों ने भी वैसे लोगों के लिए बहुत ही प्रावधान किया, अपने यहाँ क्वारंटाइन सेंटर, होम क्वारंटाइन जो भी रहे, सब तरह का हम लोगों ने प्रावधान किया लोगों को, और हमने तो खुद भी क्वारंटाइन सेंटर पर बातचीत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, हर जिले में कई क्वारंटाइन सेंटर पर हमने बातचीत की, और जो लोग थे उनसे भी हमने चर्चा की, लोगों को इंतजाम से प्रसन्नता थी। लेकिन जब हम पूछते थे कि भाई आगे क्या विचार है, आप कहाँ गए थे, क्या करते थे, तो लोगों के मन में ये भाव हमने देखा कि लोग बाहर में जो कष्ट झेले हैं अब उनकी इच्छा है नहीं, उनको लगता है कि हमें राज्य में ही काम मिले, हम राज्य में ही रहना चाहते हैं, और हम लोगों को भी लगा कि किसी को मजबूरी में नहीं जाना पड़े बाहर। तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने भी अपने स्तर से ये काम शुरू किया, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों के साथ
बैठक निरंतर करते रहे इस सिलसिले में 6 बार। उस सिलसिले में भी सभी राज्य के लोग अपनी बात रखते रहे, हम भी कुछ सुझाव देते रहे, लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी हम लोगों ने पिछले मीटिंग में कहा है वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन जो केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये बहुत ही लोगों के लिए राहत पहुंचाने वाली योजना है। और आप लोगों ने ये तय कर लिया कि जिस जिले में, किसी भी राज्य के जिस जिले में बाहर से काम करने वाले 25,000 और उससे अधिक लोग आए हैं, उन जिलों का चयन आप लोग ये किया गया है। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा और हम लोगों को भी मालूम है कि 6 राज्यों के 116 जिलों का चयन किया गया और बिहार के तो 38 में से 32 जिलों का चयन, और उसमें भी खगड़िया का चयन किया गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आप सब लोगों ने इस मामले में जो कुछ भी अभी माननीय मंत्री जी ने भी बता दिया कि 25 तरह के काम का चयन किया गया है और 125 दिनों तक अभी फिलहाल इसको लागू किया जाएगा। और जो हम लोगों को जानकारी मिली है कि इसमें केंद्र सरकार को सिर्फ अकेले गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो ये खुशी की बात है। कम से कम जो लोग बाहर से आए हैं उन लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से ये जो राहत दिया जा रहा है ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और उसके अलावा तो हम लोग चाहते ही हैं कि जो लोग भी अब बाहर जाकर काम नहीं करना चाहते हैं, और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि बाहर क्यों जाएं, कष्ट झेले हैं और ये तो कोई जानता ही नहीं है कोरोना वायरस की स्थिति कब तक और कहाँ लोग झेलेंगे, तो इसलिए हम लोगों की तरफ से भी प्रयास काफ़ी कुछ करने की कोशिश की गई है। और जो कुछ भी अभी मनरेगा के अंतर्गत काम होगा, अन्य जो हमारे राज्य सरकार में भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे सड़क मार्ग की हो या अन्य विकास की योजनाओं हो, या हम लोगों का 1-7 निश्चय की योजना है और जल जीवन हरियाली अभियान हम लोगों ने पिछले वर्ष से चलाया है, उसमें भी 3 साल में करीब करीब 24,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च कर रहे हैं। और हमने लोगों को कहा है कि अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है पर्यावरण को लेकर के, और काफ़ी इसके पक्ष में लोगों का सहयोग मिल रहा है। तो उस चीज़ में भी जो काम कर रहे हैं उसमें भी लोगों को लगा रहे हैं, तो एक तो अलग विषय है। लेकिन और जीविका द्वारा, जीविका समूहों में भी जो बिहार में हम लोगों ने जीविका समूह का इसकी स्थापना की थी, तो उसमें तो भी 41,000 से अधिक परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। और ये कोशिश है हम लोगों की कि पूरे तौर पर, और हम ये बता देना चाहते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो जीविका समूह का चयन किया गया, पहले जब स्वयं सहायता समूह का गठन देश भर में किया गया था तो हमारे राज्य में वो बहुत कम था और पहले की योजना अच्छी नहीं थी। जब बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया NDA को बिहार में, तो हम लोगों ने इस पर विचार किया और देखा और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने जीविका योजना की शुरुआत की। और वो ऐसी योजना थी कि हम लोगों का लक्ष्य था कि 10 लाख परिवार समूह का गठन करें, और अब 9.5 लाख के करीब समूह बन गया। 1 करोड़ से भी ज़्यादा परिवार की महिलाएं हमारे यहाँ स्वयं सहायता ये जीविका समूह से जुड़ी। और हम लोगों ने सोचा कि भाई बाहर से जो आई हैं महिलाएं, अगर वो जीविका समूह से नहीं जुड़ी हैं तो उनको इन सब समूहों में जोड़ना है। और हमारा तो जो अभी आज का जो कार्यक्रम का शुभारंभ आप कर रहे हैं, हम तो अभिनंदन करते ही हैं। और इसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 3,43,00,000 रुपये का व्यय होगा सिर्फ 1 पंचायत में। और हम आप चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस काम की शुरुआत कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने भी अपनी तरफ से जो योजनाओं की शुरुआत करने के बारे में निर्णय लिया है, यह भी आप ही से उसकी शुरुआत हम लोग, राज्य सरकार की भी योजनाएं जो उसमें हम लोग करीब राज्य सरकार की तरफ से इस पंचायत में 2,20,00,000 रुपये का खर्च करेंगे। यानी कई योजनाएँ और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, काम का अवसर मिलेगा, ये सब अच्छी बात है। और हम तो एक ही अनुरोध करेंगे, ये काम शुरू हुआ है, बहुत उपयोगी योजना है, लेकिन हम बिहार के लिए तो हम पहले भी उस दिन के मीटिंग में भी अनुरोध कर चुके हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए। हमारे यहाँ उद्योग की जो कमी है, तो उसके चलते जो हम लोगों की ख्वाहिश है और इच्छा है, किसी से कहेंगे कि विशेष सहायता के रूप में GST और आयकर में छूट देने पर केंद्र सरकार विचार कर सकती है। और हम लोगों के यहाँ जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मात्र 43%, एक गरीब राज्य का जो पैसा लोग जमा करते हैं बैंकों में उसका ज़्यादा हिस्सा दूसरे राज्यों में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, और इसके लिए तो हम लोग बातचीत करते ही रहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों का ये अनुरोध है और हम लोगों ने बैंक को
SLBC की मीटिंग में भी कहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एनुअल क्रेडिट प्लान में इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाए। और सबसे जरूरी चीज है कि हमारे यहाँ बिहार में भी जो MSME सेक्टर में जो काम होता है उसमें जितना भी आवंटन किया था 25,000 करोड़, उससे भी ज़्यादा थोड़ा पिछले वर्ष खर्च हुआ। तो हम लोगों का विनम्र आग्रह है कि SMME में और ज़्यादा प्रावधान किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को भी काम मिलेगा और जो लोग हमारे मजबूरी में पड़ गए, वहाँ काम करने गए थे और वहाँ से लौट करके उनको आना पड़ा और उनकी ख्वाहिश अब है कि हमको जाना न पड़े, तो वैसी स्थिति में ये बहुत उपयोगी होगा। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन सब विषयों पर सोच ही रहे हैं, लेकिन वह तो एक अलग विषय है। लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है कि कोई प्रकार से कोई संकट झेला है तो वहाँ के राज्य सरकारों ने जो किया, या हम लोगों के लोग या किसी राज्य के लोग दूसरे जगह पहुँचे उन लोगों ने किया, हम लोगों ने भी किया, लेकिन केंद्र सरकार ने इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया है और ये सोचा है कि हम सब लोगों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान चला करके लोगों को काम का अवसर दें, ताकि किसी को वंचित नहीं होना पड़े। ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। मैं इस अभियान के लिए मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ और केंद्र सरकार को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और हम लोगों के यहाँ के बारे में कुछ विचार हम लोगों ने व्यक्त किया है, उस पर आप जरूर गौर करेंगे। और इस अवसर पर आपने पहला सभी राज्यों में ये काम कर रहे हैं, लेकिन एक बिहार के खगड़िया जिले का कि एक हम लोगों ने जो इसका चुना है, तेलिहार पंचायत को चुना है खगड़िया जिले में, और प्रखंड है बेलदौर, तो इसका चयन किया है। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और इस अवसर पर जितने लोग शामिल हुए हैं उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो सबको बताएंगे ही, लेकिन हम लोग भी राज्य सरकार की तरफ से अपने लोगों को ये कह देना चाहते हैं जो तेलिहार पंचायत के लोग हैं, कि हम सब लोग भी पूरे तौर पर आप सबका अच्छी तरह ख्याल रखते हैं और ख्याल रखेंगे, ताकि किसी को कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को का अभिनंदन करते हुए और धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के शुभारंभ हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री से सादर अनुरोध करती हूँ। मैं अपनी बातचीत का प्रारंभ करने से पहले लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया, देश तो सेना पे गर्व करता ही है, लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं। बिहार के भी हमारे जो साथी जिन्होंने बलिदान दिया है उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों को भी। आज जब बिहार से बात कर रहा हूं तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ है, देश सेना के साथ है, देश उसके उज्जवल भविष्य के लिए कृतसंकल्प है। आज के इस कार्यक्रम की बात करने से पहले मैं जरूर वहां के गांव के लोगों से, बेलदौर के और खगड़िया जिला बिहार, मैं जरूर उनसे बात करना चाहूंगा। उसके बाद मैं कुछ बात मेरी तरफ से जरूर कहूंगा। हम
पहले कौन बात करेंगे? नमस्कार महोदय, मैं आलोक रंजन घोष, जिलाधिकारी खगड़िया, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं स्वागत करता हूँ सभी मुख्यमंत्री महोदय बिहार एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज यहाँ पर जुड़े हुए। अभी इस वक्त ग्राम पंचायत तेलिहार में मेरे साथ स्थानीय विधायक श्री पन्नालाल सिंह पटेल हैं, साथ ही में सभी जनप्रतिनिधिगण मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मुखिया बेलदौर तेलिहार पंचायत के कि वो आपके साथ संपर्क और संवाद स्थापित करें। श्री अनिल कुमार सिंह जी। सर प्रणाम। अजय जी, आप मुखिया जी हैं यहाँ के? हाँ बताइए। मैं जरा सुनना चाहूंगा, जरा अपनी पंचायत के बारे में भी मैं थोड़ी जानकारी अगर दो चार शब्दों में कह सकते हैं तो मैं सुनना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को खगड़िया और बेलदौर तेलिहार पंचायत की ओर से ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं। और जो लॉकडाउन में फंसे हमारे मजदूर लोग जो थे और श्रीमान के द्वारा जो अच्छे व्यवस्था से गांव तक पहुंचाए और विद्यालय में जो क्वारंटाइन सेंटर बना के रखा गया उसके लिए हमारे गांव के तमाम मजदूर और हम ग्राम पंचायत की ओर से श्रीमान का पुनः फिर एक बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और क्वारंटाइन सेंटर में जो भी हमारे मजदूर रहे उनको जो सरकार के द्वारा दिए गए मार्गदर्शक थे उस समय हम लोग उनके यहाँ खाना पीना नाश्ता और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जांच करा के सैनिटाइजर और शौचालय की साफ सुथरा करते हुए 14 दिन में फिर उनकी जांच करा के उनके घर तक पहुंचाए और वार्ड विकास क्रियान्वयन प्रबंधक के द्वारा हम। मुखिया जी, लॉकडाउन के दौरान कुल कितने लोग आपके पंचायत में और राज्यों से वापस आए, कितने लोग होंगे? लगभग 475 आए। 475 की व्यवस्था की, 500 लोगों की व्यवस्था की इतने दिन तक? देखिए, एक गांव के हिसाब से आपने बहुत बड़ा काम किया है जी। शहरों में दिखता तो हजारों लोग हैं लेकिन इस काम में व्यवस्था का दम उखड़ जाता है। आप गांव वालों ने इतना बड़ा काम किया, ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। और आपने जैसा आप वर्णन कर रहे थे कई प्रकार की व्यवस्थाएं की, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। मैं और कौन बात करेंगे? अगले वक्ता श्रीमती स्मिता कुमारी जी हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि स्मिता जी आए और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ संवाद स्थापित करें। नमस्ते सर। नमस्ते स्मिता जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? इंटर की। इंटर तक किए हुए हो? कहाँ पर पढ़ी थी? गांव में। अच्छा, गांव में पढ़ी। ये लॉकडाउन के समय आप कहाँ थी, यहीं थी या कहीं बाहर थी? नहीं, दिल्ली में थे। दिल्ली में थी? अच्छा, तो फिर क्या हुआ बताइए जरा। दिल्ली में थे, मेरा हस्बैंड का काम बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से, फिर स्पेशल ट्रेन पकड़ के हम गांव आ गए। तो आप यहाँ पर क्या करते थे? प्लेट फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा, तो वापस कैसे पहुंचे आप? स्पेशल ट्रेन से आए हैं। अच्छा, वो श्रमिक ट्रेन मिल गई आपको? हाँ। अच्छा, तो रास्ते में कोई दिक्कत विक्कत हुई क्या? नहीं, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। आपकी कोई शिकायत नहीं है मेरे लिए? हैं? कुछ तो होगी, आप बताती नहीं हो।
कि मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया, देखो हमको दिल्ली से घर आना पड़ा है, ऐसा नहीं लग रहा है ना? आप अभी अपने गांव में हैं, आपका परिवार अभी गांव में है, सबसे मिलना हो गया, तो अभी इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? अभी सोच रहे मधुमक्खी पालन करने के लिए विचार सवाल में बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, मधुमक्खी का पालन करेंगे, बहुत अच्छा काम आप सोच रही है। हाँ देखिए, इसको देश को भी लाभ होगा, क्योंकि आज हमारा देश मधु बाहर से लाता है और वैक्स भी बाहर से लाता है, मोम भी बाहर से लाता है। तो अगर आप ये काम करोगी और आपके गांव में काम चल पड़ा तो जरूर देश का लाभ होगा। तो अभी कुछ शुरू कर दिए हो क्या? परिवार के सब लोग खुश है घर में रह रही हो तो? हाँ। चलिए आपको बहुत बधाई और इस योजना का आपको लाभ मिले। आइए और कौन बात करेंगे? धन्यवाद सुमिता जी। अब मैं श्री जनार्दन शर्मा जो हरियाणा से लौटे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो स्थान ग्रहण करें और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ संवाद स्थापित करें। नमस्ते जनार्दन जी, हरियाणा में कहाँ थे? जी गुड़गांव हरियाणा में थे। अच्छा अच्छा, गुड़गांव तो अब दिल्ली हो गया है जी। हैं, हैं। तो वहाँ क्या काम करते थे आप? जी राजमिस्त्री काम करते थे। अच्छा, और राजमिस्त्री में भी किस प्रकार के काम करते थे? बड़े बड़े मकान में काम करते थे, टाइल लगाने का और प्लास्टर करने का, चुनाई करने का, यही सब काम था हमारा। तो कितने साल से गुड़गांव में थे? गुड़गांव में थे हम मारुति कंपनी में 12 साल से। अच्छा, तो वापस कैसे पहुंच गए वहाँ? जी वापस आए, महामारी हो गया कोरोना का, उसके वजह से पैसे खत्म हो गया, रोजगार बंद हो गया। इस वजह से हम वहाँ से ट्रेन चलाए, आप उस ट्रेन से आए और ट्रेन में बहुत अच्छा सुविधा था, दूर दूर बैठने की जगह था, उसके बाद जा कर के मास्क लगाए हुए थे सब, इस वजह से साफ सफाई बढ़िया था। आप लोग तो भीड़ में लटक करके कैसे भी, पहले जब आते थे बहुत भीड़ था कि इतना चढ़ नहीं पाते थे, कोई सामान था तो उस लेकर के नहीं चढ़ पाते थे, तो पुलिस वाला रहता था उसको कह करके हम सब चढ़ते थे। इतने दिन एक साथ गांव में पहली बार रहे होंगे आप, इतने दिन एक साथ आप गांव में, एक साथ आप दो बार गांव में पहली बार इतने समय रहे होंगे क्या? नहीं, कई बार गए फिर आए। नहीं, गांव तो जाते होंगे लेकिन इतना लंबा समय तो रहते नहीं होंगे। नहीं, तो सारे पुराने दोस्तों से मिलना हो गया? ये पहले बार गए थे तो 5 साल तक रहे थे एक बार ही, फिर घर आए तो महीना दो महीना 6 महीने तक जाना आना रहा। तो अभी गांव में कैसा लग रहा है आपको, घर वापस लौटने के बाद क्या सोच रहे हैं आप? जी यहीं पर घर में तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहीं पे काम मिल रहा है, नली गली का काम है, रोड पे भर ब्लॉक लगाने का। अच्छा, मिस्त्री राजमिस्त्री काम करते हैं यहाँ, मुखिया जी बहुत काम करवा रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं हम, करीब 30-35 लेबर मजदूर लगे हुए हैं, बहुत ढेर सारे सामूहिक शौचालय भी बनवाए हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ। वाह देखिए, अब ये जो योजना लागू हो रही है ना, इसके कारण तो गांव में मजदूर कम पड़ जाएंगे, इतना काम करना है मुझे, और आप तो राजमिस्त्री हैं तो आपके लिए तो ढेर सारा काम है। जी काम तो हमारे लिए अभी बहुत है, जिस तरीका से वहां कर रहे थे उससे बढ़िया है यहाँ। चलिए चंदन जी, आप शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मुझे बताया गया कोई चंदन जी भी शायद बात करना चाहते हैं। नमस्ते, नमस्ते। चंदन जी कहाँ पर थे? हम सर राजस्थान में, सर अजमेर जिला में से थे। कितने साल से अजमेर में हो? वहाँ सर 7 महीने से हम थे। अच्छा, इसके पहले कहाँ थे?
इससे पहले सर हम यहाँ आसाम में थे सर। अच्छा अच्छा, तो क्या काम करते थे वहाँ? हम सर टावर का सर काम करते हैं, एंड टावर का सर। अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल अभी अपने गांव में भी टावर लगाओगे? अभी सर हम वहाँ से आए हैं तो सर स्कूल में रहने के बाद सर पानी टंकी का सर मालूम चला, काम चल रहा है, वहाँ भी टावर बन रहा है, अभी हम सर उसमें काम कर रहे हैं। वाह वाह, आपको मालूम है ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ लोगों को दे रहे हैं, कि आपको भी मिला है क्या? जी सर मिला है हम सबको। कितना मिला है? एक जैसे सर पहले एक आदमी से मिल रहा था, फ्री हमको मिल रहा है सर, एक आदमी पर 5 केजी चावल और दाल मिल रहा है सर। मुझे कुछ लोग तो बताते हैं भाई घरों में अब इतना अनाज हो गया है कि जरा ज्यादा ही हो गया है, क्योंकि इतना कहाँ खाएंगे, ऐसा भी लोग बता रहे हैं, इसमें सच्चाई है क्या? ऐसा सर कुछ ही नहीं है, जो मिल रहा है सर पिछली बार सर ज्यादा है, खा पी चल रहे हैं, लॉकडाउन के लिए सर थोड़ा दिक्कत हो गया था, मगर फ्री वाला राशन मिला तो अभी एडजस्ट हो गया है, अभी ठीक ठाक है सर। देखिए ये टावर निर्माण का कार्य जो है ना, ये आप कर रहे हैं, बड़ा विशिष्ट काम है, और मैं मानता हूँ 21वीं सदी में जो बहुत महत्वपूर्ण काम होता है उसमें ये काम माना जाएगा, और आपको ये काम में महारत है और आप इस काम को करते हैं तो आपके लिए तो बहुत उज्जवल संभावनाएं हैं, क्योंकि ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, गांव के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल फोन की मांग, इन सबको देखते हुए इन कामों का तो बहुत लंबे अरसे तक मांग रहने वाली है, और मैं आपको बहुत बधाई देता हूं भैया, और मुझे विश्वास है कि आज जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू हुआ है उससे आप जैसे जो कुशल लोग हैं उनकी शक्ति का उपयोग, हम जो गांव का विकास करना चाहते हैं, ये आफत है लेकिन अवसर बन जाएगी, और इसलिए मुझे विश्वास है कि हम इस नए प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं जिसमें गांव का भला करना और गरीबों के ताकत पे भरोसा कर भला करना। चलिए बहुत धन्यवाद चंदन जी, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती सुनीला कुमारी जी से, जो मिलन जीविका ग्राम संगठन की सदस्य हैं, वे अपना स्थान ग्रहण करें एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ संवाद स्थापित करें। सुनीला जी नमस्ते, आपको शारीरिक कष्ट हो रहा है फिर भी आप जीविका दीदी के रूप में काफी काम कर रही है। काम कर रहे हैं जीविका के तहत, जो हम गाय बकरी पालन करके अपना उपार्जन कर रहे हैं। लोग भी तकलीफ है तो आपके पास चले आते हैं क्या जी? अगर औरों को तकलीफ हो तो जीविका दीदी कहाँ है करके लोग आपके पास दौड़ के आते हैं क्या? जाते हैं दीदी, जीविका दीदी हमको भी तकलीफ दूर करते हैं और हम भी दीदी को तकलीफ दूर करते हैं। अच्छा, हम भी समूह से ऋण लिए और दीदी को भी दिलाए, दीदी भी गाय बकरी लेकर के अपना परिवार के घर मेंटेनेंस चला रहे हैं। तो आप स्वयं सहायता समूह से जो बहनें जुड़ी हैं, वो आज से जो अभियान शुरू हुआ है ये मेरे हिसाब से बहुत लाभकारी होने वाला है। आपके गाँव में, आपके पंचायत में आपका जो ये स्वयं सहायता समूह है, क्योंकि महिलाएं बड़ी जागरूकता पूर्वक काम करती है, लेकिन आप मुख्य रूप से क्या काम करते हैं आपके समूह के लोग? हमारे समूह के लोग मुख्य रूप से काम करते हैं, अपने गाय बकरी पालन करते हैं, उसके बाद हम समूह में जाकर के अभी कोरोना वायरस के चलते सभी को सोशल डिस्टेंस के लिए रहने के लिए कहते हैं, मास्क लगा के घर से बाहर निकल के मास्क लगा करके चलने के लिए कहते हैं, साफ सफाई साबुन से हाथ धोने के लिए कहते हैं, बच्चे के साफ सफाई पर भी ध्यान रखने के लिए कहते हैं। गाँव के लोग मानते हैं सारी बातें? पूरा सारे बात मानते हैं गांव के लोग, कोई भी बिना मास्क के बाहर नहीं निकलते हैं। हमें बड़े बड़े शहरों में तो समझाने में बहुत दिक्कत आती है। नहीं भैया, हमारे यहाँ नहीं दिक्कत होता है। चलिए गांव वालों से तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा हमको। देखिए आपने, आपके समूह ने अपनी आजीविका के साथ साथ ये कोरोना के सामने लड़ाई लड़ने के लोगों को तैयार किया, अभियान चलाया, इसके लिए मैं विशेष करके आपके समूह की सभी बहनों को प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने गांव को संभालने का काम किया है। चलिए बहुत धन्यवाद आपका।
श्रीमती रीता देवी जो प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ संवाद स्थापित करें। नमस्ते रीता देवी जी, हम सुनना चाहेंगे आप क्या कहना चाहती हैं, आपके बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम रीता देवी, मेरा पति का नाम हरेराम सिंह, मेरा पति सिरसा में रहते थे, राजमिस्त्री काम कर रहे थे। अच्छा अच्छा, हरियाणा में जी। तो आपको सरकार की किसी योजना का लाभ मिला है? प्रधानमंत्री आवास योजना मिला था। मिला पैसा? पैसा सीधा आपके बैंक में आ जाता था जी? पूरा पैसा मिल गया जी? किसी ने कहा नहीं? नहीं, ये मकान तो मैं दिलवा रहा हूँ, मोदी जी कौन होते हैं, नीतीश बाबू कौन होते हैं, लाओ उसमें से 2000 रुपया मुझे दे दो, ऐसा नहीं किया ना किसी ने? नहीं। वाह, ये बढ़िया सुन करके मुझे अच्छा लगा। देखिए घर बहुत बढ़िया बनाया है, दो कमरा बनाए थे। अच्छा, एक रसोई बनाए थे, एक शौचालय। तो अभी घर अभी पहले घर कैसा था? कच्चा घर था, पहले झोपड़े के था, पौने चूरा था। तो पहले तो घर में मेहमान भी नहीं आते होंगे, तो अब तो मकान पक्का हो गया तो मेहमान भी आते होंगे जी। तो मेहमान आते होंगे तो थोड़ा खर्चा भी बढ़ गया होगा जी। हैं? अब तो बेटी बड़ी होगी तो उसकी शादी जल्दी हो जाएगी, घर पक्का हो गया तो, बेटा बड़ा हो गया तो बहू जल्दी आ जाएगी, ऐसा ही होना है ना? सब बाल बच्चा भी खुशी है। चलिए बहुत अच्छा है, तो मेरी तरफ से आपको ये नया आवास मिला है इसके लिए बधाई हो आपको। चलिए, आप सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे बताया गया है कि मुझे इस कार्यक्रम का उद्घाटन इस रिमोट से करना है। पहले शायद बताया है कि इस कार्यक्रम की जो वीडियो है उसकी संकल्पना है वो आपको बताएंगे, तो मैं आप सब की तरफ से यहाँ से ये स्विच दबा करके, ये उद्घाटन मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ इधर छोटा सा काम यहाँ से कर रहा हूँ। साउंड लाखों की संख्या में प्रवासी कामगारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ। इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ शब्दों में नहीं कही जा सकती। प्रवासी मजदूरों को देखते हुए बहुत कुछ नए कदम उठाना आवश्यक हो गया है। केंद्र सरकार ने अभी जो फैसले लिए हैं उससे गांवों में रोजगार, स्वरोजगार, लघु उद्योगों से जुड़ी विशाल संभावनाएं खुली हैं। ये फैसले इन स्थितियों के समाधान के लिए हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए हैं। इसी दिशा में केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इस अभियान के तहत 125 दिवस निश्चित किए गए हैं। व्यय की जाने वाली राशि 50,000 करोड़ रुपए है। अभियान के दौरान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के मकसद से 25 विकास कार्यों के संपादन पर जोर दिया जाएगा, जिनमें सड़क, ग्रामीण आवास, बागवानी, पौधारोपण, जल संरक्षण से जुड़े कार्य, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन के साथ साथ जल जीवन मिशन आदि विभिन्न कार्य शामिल हैं। 125 कार्य दिवसों वाले इस अभियान के तहत जो कामगार अपने गृह क्षेत्रों में आने के बाद अपने क्षेत्र में ही रहकर काम करना चाहते हैं, उनको उनके हुनर और रुचि के अनुसार संगठित करते हुए सतत आजीविका सृजन के लिए उद्यमिता और आजीविका विस्तार के प्रयास किए जाएंगे। जिन कामगारों को रोजगार की तुरंत आवश्यकता है उन्हें विभिन्न कार्य क्षेत्रों में मजदूरी का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।
इस पहल से एक तरफ तो जहां विभिन्न स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र के विकास के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ये अभियान विशेष रूप से 6 राज्यों के 116 जिलों के लिए है, जहां प्रवासी मजदूरों की वापसी अपेक्षाकृत अधिक हुई है। भारत सरकार का प्रयास ये भी है कि ऐसे कामगार ग्रामीणों को उनके क्षेत्र में ही जीविकोपार्जन की अन्य गतिविधियों के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की गतिविधियों को निकट भविष्य में सतत प्रक्रिया के तहत जारी रखते हुए अभियान को एक सशक्त आधार के रूप में स्थापित करने का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के नए आयाम खुल सके। प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह है कि ग्राम पंचायत तेलीहार, प्रखंड बेलदौर, जिला खगड़िया में इस अभियान के तहत योजनाओं का शुभारंभ रिमोट द्वारा करने की कृपा करें। कोविड-19 की वैश्विक महामारी से श्रमिकों एवं कामगारों के रोजी रोजगार पर हुए प्रतिकूल असर की चुनौतियों ने देश के सामाजिक आर्थिक आयामों को नई दिशा देने का अवसर प्रदान किया है। बिहार में भी आए लगभग 30 लाख श्रमिकों एवं कामगारों को एक ओर जहां राज्य सरकार द्वारा क्वारंटाइन केंद्रों में रखकर संक्रमण के फैलाव को सीमित करने का कार्य किया गया है, वहीं इनके स्किल एवं विभिन्न योजनाओं में रोजगार के अवसर की मैपिंग भी की गई है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजनाओं एवं जल संचयन तथा जल संरक्षण संबंधी जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत व्यापक पैमाने पर श्रमिकों को कार्य के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इस कड़ी में जीविका द्वारा इन श्रमिकों तथा कामगारों के परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में शामिल कर इनके हुनर एवं रुचि के अनुकूल व्यवसाय हेतु सुविधा प्रदान की जा रही है। जीविका समूह की दीदियों द्वारा वृहद स्तर पर गुणवत्ता पूर्ण मास्क के किए जा रहे उत्पादन में भी इन कामगारों को जोड़ा गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत बिहार के 32 जिलों का चयन किया गया है। इस महत्वाकांक्षी अभियान का शुभारंभ आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के ग्राम पंचायत तेलीहार से माननीय मुख्यमंत्री बिहार की गरिमामयी उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया गया। जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर 1,813 परिवार एवं 10,597 की आबादी वाले इस पंचायत में आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि, पशुपालन एवं मछली पालन है। पंचायत के सभी गलियां और नालियां पक्के हैं, सभी परिवार शौचालय की सुविधा से आच्छादित हैं और 136 स्वयं सहायता समूहों एवं 12 ग्राम संगठनों के साथ यहां के 1,648 परिवार जुड़े हुए हैं। कोरोना महामारी के कारण 445 श्रमिकों का इस पंचायत में आगमन हुआ है और गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन आज प्रारंभ किया जा रहा है, जिनमें आंगनवाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स, जल संरक्षण संरचना, रूरल हाट का विकास, अक्षय ऊर्जा उपकरण विक्रय केंद्र, सघन वृक्षारोपण एवं संपर्क सड़क आदि का निर्माण शामिल है। निश्चय ही गरीब कल्याण रोजगार अभियान राज्य के चयनित सभी 32 जिलों में आपदा की चुनौती को अवसर में बदलते हुए चहुंमुखी विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। अब मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि इस शुभ अवसर पर अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। साथियों, इस औपचारिक उद्घाटन से पहले मैं खगड़िया में अपने भाइयों और बहनों से बात कर रहा था। आज गांव के आप सभी से बात करके मुझे खुद को कुछ राहत भी मिली है, संतोष भी मिला है। जब कोरोना महामारी का संकट बढ़ना शुरू हुआ था तो आप सभी, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों की चिंताओं में बने हुए थे। इस दौरान जो जहां था वहां उसे मदद पहुंचाने की कोशिश की गई,
हमने अपने श्रमिक भाई बहनों के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेनें भी चलाई। वाकई आज आपसे बात करके, आज आपकी ऊर्जा में भी जो ताजगी थी और एक सम्मान का भाव था, विश्वास था, ये सब कुछ मैं महसूस कर रहा हूं। कोरोना का इतना बड़ा संकट, पूरी दुनिया जिसके कारण हिल गई, सहम गई, लेकिन आप डट करके खड़े रह गए। भारत के गांवों में तो कोरोना का जिस तरह मुकाबला किया है, उसने शहरों को भी बहुत बड़ा सबक दिया है। सोचिए, 6 लाख से ज्यादा गांवों वाला हमारा देश, जिनमें भारत की 2/3 से ज्यादा आबादी, करीब करीब 80-85 करोड़ लोग जो गांवों में रहते हैं, उस ग्रामीण भारत में कोरोना के संक्रमण को आप सब गांव वासियों ने बहुत ही प्रभावी तरीके से रोका है। और ये जो हमारे गांवों की जनसंख्या है, 80-85 करोड़ जो जनसंख्या है, अगर हिसाब लगाएं तो ये जनसंख्या यूरोप के सारे देशों को मिला दें तो उससे भी कहीं ज्यादा है। ये जनसंख्या पूरे अमेरिका को मिला दें, रूस को मिला दें, ऑस्ट्रेलिया को मिला दें, तो भी ये हमारे गांवों की जनसंख्या उससे भी ज्यादा है। इतनी बड़ी जनसंख्या का कोरोना के इतने साहस से मुकाबला करना, इतनी सफलता से मुकाबला करना, ये बहुत बड़ी बात है। हर हिंदुस्तानी इस बात के लिए गर्व कर सकता है। इस सफलता के पीछे हमारे ग्रामीण भारत की जागरूकता ने काम किया है। पंचायत स्तर तक हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं, हमारे चिकित्सा केंद्र, वेलनेस सेंटर, हमारे स्वच्छता अभियान की अहम भूमिका रही है। लेकिन इसमें भी ग्राउंड पर काम करने वाले हमारे साथी, ग्राम प्रधान, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, जीविका दीदी, इन सभी ने बहुत बेहतरीन काम किया है और ये सभी वाहवाही के पात्र है, अभिनंदन के पात्र है, प्रशंसा के पात्र है। साथियों, अगर यही बात शायद इससे आधी भी अगर कोई पश्चिम के देश में हुआ होता तो न जाने दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सफलता की कितनी चर्चा होती, कितनी वाहवाही होती, न जाने क्या कुछ होता। लेकिन हम जानते हैं कुछ लोगों को अपनी बात भी बताने में जरा संकोच होता है, कुछ लोगों को लगता है कि भारत के ग्रामीण जीवन की इतनी बड़ी वाहवाही हो जाएगी तो दुनिया में फिर वो क्या जवाब देंगे। आप हकदार हैं इस प्रशंसा के, आप हकदार हैं इस पराक्रम के, आप हकदार हैं इतने बड़े जीवन और मौत का खेल जहां खेला जाता है ऐसे वायरस के सामने गांव को, गांव वासियों को बचाने के लिए प्रशंसा के हकदार है। खैर, दुनिया में इस प्रकार का एक स्वभाव है, हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो आपकी पीठ नहीं थपथपाएंगे, लेकिन कोई पीठ थपथपाए न थपथपाए, मैं आपका जय जयकार करता रहूंगा, मैं आपके इस पराक्रम की बात दुनिया में गाजे बाजे के साथ करता रहूंगा, क्योंकि आपने काम करके दिखाया।
आपने अपने हजारों लाखों लोगों को कोरोना से बचाने का पुण्य किया है। आज मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ही हिंदुस्तान के ग्रामजनों ने जो काम किया है, हर गांव ने जो काम किया, हर राज्य में किया है, मैं ऐसे गांव को संभालने वाले गांववासियों को संभालने वालों को आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। देश के गरीबों, मजदूरों, श्रमिकों को और उनकी ये जो शक्ति है, ये शक्ति को भी मैं नमन करता हूं। मेरे देश के गांवों को नमन, शत शत नमन। वैसे मुझे आज एक और भी खुशी खबरी मिली, मुझे बताया गया है कि परसों से पटना में कोरोना टेस्टिंग के एक बड़ी आधुनिक टेस्टिंग मशीन भी काम शुरू करने वाली है। इस मशीन से करीब करीब 1500 टेस्ट एक ही दिन में करने संभव होंगे। इस टेस्टिंग मशीन के लिए भी बिहार के लोगों को मैं बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में जुड़ रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, अलग अलग राज्यों के सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय नीतीश बाबू, अशोक गहलोत जी, शिवराज जी, योगी आदित्यनाथ जी, उपस्थित सांसद और विधायक और सभी अधिकारीगण, पंचायत के प्रतिनिधिगण और टेक्नोलॉजी के जरिए देश को सैकड़ों गांवों से जुड़े मेरे कर्मठ कामगार साथियों, आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज गरीब के कल्याण के लिए, उसके रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान समर्पित है हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए, हमारे गांवों में रहने वाले नौजवानों, बहनों, बेटियों के लिए। इनमें से ज्यादातर वो श्रमिक हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस लौटे हैं। वो अपनी मेहनत और हुनर से अपने गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो जब तक अपने गांव में है, अपने गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने गांव को कुछ देना चाहते हैं। मेरे श्रमिक साथियों, देश आपकी भावनाओं को भी समझता है और आपकी जरूरतों को भी समझता है। आज खगड़िया से शुरू हो रहा यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान इसी भावना, इसी जरूरत को पूरा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन छह राज्यों के 116 जिलों में ये अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि इस अभियान के जरिए श्रमिकों और कामगारों को घर के पास ही काम दिया जाए। अभी तक आप अपने हुनर और मेहनत से शहरों को आगे बढ़ा रहे थे, शहरों को चमका रहे थे, शहरों का भला कर रहे थे, अब अपने गांव को, अपने इलाके को आगे बढ़ाएंगे। और साथियों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कहां से मिली। मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूं, मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कुछ श्रमिक साथियों से ही मिली, कामगार भाइयों से ही मिली है। साथियों, मैंने मीडिया में इस लॉकडाउन के दरमियान एक खबर देखी थी। ये खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से थी। वहां एक सरकारी स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। तो ये जो शहर से
श्रमिक वापिस आए थे उनको वहां रखा था। उस समय ज्यादातर दक्षिण भारत से जो श्रमिक थे वो आए थे, हैदराबाद से आए हुए थे, और इन श्रमिकों को रंगाई पुताई और पीओपी के काम में वो उनकी मास्टरी थी। अब वो क्वारंटाइन में थे और वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते थे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही पड़े रहेंगे, दो टाइम खाते रहेंगे, उसके बजाय हम जो जानते हैं उस हमारे हुनर का उपयोग करिए। और देखिए, उन्होंने उस सरकारी स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में रहते हुए इन हमारे श्रमिक भाई बहनों ने अपने हुनर से उस स्कूल का ही कायाकल्प कर दिया। लॉकडाउन के समय उसकी रंगाई पोताई करके बढ़िया बना दिया। मेरे श्रमिक भाई बहनों के इस काम को जब मैंने जाना, उनकी देशभक्ति को, उनके कौशल ने मुझे, मेरे मन को एक प्रेरणा दी। उसी में से मुझे आइडिया आया कि ये कुछ करने वाले लोग हैं, और उसी में से इस योजना का जन्म हुआ है। आप सोचिए कितना टैलेंट इन दिनों वापस अपने गांव लौटा है। देश के हर शहर को गति और प्रगति देने वाला श्रम हुनर जब खगड़िया जैसे ग्रामीण इलाकों में लगेगा, तो इससे बिहार के विकास को भी कितनी नई ऊर्जा मिलेगी, नई गति मिलेगी। साथियों, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आपके गांव के विकास के लिए, आपको रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इस राशि से गांवों में रोजगार के लिए, विकास के कामों के लिए करीब 25 कार्यक्षेत्रों की पहचान की गई है। ये 25 काम या एक प्रकार से 25 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो गांव की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हैं, जो गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं। ये काम अपने ही गांव में रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने यार दोस्तों माँ बाप के बीच में रहते हुए आपको करने का अवसर मिलेगा। अब जैसे खगड़िया के तेलीहार गांव में आज से आंगनवाड़ी भवन, सामुदायिक शौचालय, ग्रामीण मंडी और एक कुआं बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। इसी तरह हर गांव की अपनी अपनी जरूरतें हैं। इन जरूरतों को अब गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इसके तहत अलग अलग गांवों में कहीं गरीबों के लिए पक्के घर भी बनेंगे, कहीं वृक्षारोपण भी होगा, कहीं पशुओं को रखने के लिए शेड भी बनाए जाएंगे, पीने के पानी के लिए ग्राम सभाओं के सहयोग से जल जीवन मिशन को भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जहां जरूरी और आवश्यक है, सड़कों के निर्माण पर भी उतना ही जोर दिया जाएगा। और हां, जहां पंचायत भवन नहीं है वहां पंचायत भवन भी बनाए जाएंगे। साथियों, ये तो वो काम है जो गांव में होने ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इस अभियान के तहत आधुनिक सुविधाओं से भी गांवों को जोड़ा जाएगा। अब जैसे शहरों की तरह ही गांव में भी हर घर में सस्ता और तेज इंटरनेट होना जरूरी है। जरूरी इसलिए ताकि गांव के हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख सकें। गांव की इस जरूरतों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जोड़ा गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब गांव में शहरों से ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। गांवों में इंटरनेट की स्पीड बढ़े,
फाइबर केबल पहुंचे, इससे जुड़े कार्य भी होंगे। साथियों, ये सब, ये सारी योजनाएं, ये काम करेगा कौन? गांव के ही लोग करेंगे। मेरे जो श्रमिक साथी साथ में जुड़े हैं, आप लोग ही करेंगे। चाहे मजदूर हो, मिस्त्री हो, मटेरियल बेचने वाले छोटे दुकानदार हो, ड्राइवर हो, प्लंबर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, मैकेनिक हो, हर प्रकार के साथियों को रोजगार का इसमें अवसर है। जो हमारी बहनें हैं, उनको भी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा, ताकि वो अपने परिवार के लिए अतिरिक्त साधन जुटा सके। साथियों, यही नहीं, आप सभी श्रमिकों, आप सभी के हुनर की मैपिंग की भी शुरुआत की गई है, यानी कि गांव में ही आपके हुनर की पहचान की जाएगी, ताकि आपके कौशल के मुताबिक आपको काम मिल सके। आप जो काम करना जानते हैं, उस काम के लिए जरूरतमंद खुद आपके पास पहुंच सकेगा। साथियों, सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि कोरोना महामारी के समय में आपको गांवों में रहते हुए किसी से कर्ज न लेना पड़े, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, गरीब के स्वाभिमान को हम समझते हैं। आप श्रम एव जयते, श्रम की पूजा करने वाले लोग हैं। आपको काम चाहिए, अवसर चाहिए, रोजगार चाहिए, इस भावना को सर्वोपरि रखते हुए ही सरकार ने इस योजना को बनाया है। इस योजना को इतने कम समय में लागू किया है। इससे पहले आपकी और देश के करोड़ों गरीबों की तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी सरकार ने लॉकडाउन के प्रारंभ में ही तुरंत एक के बाद एक कदम उठाए थे। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से हुई थी, और मुझे बराबर याद है कि जब शुरू में हमने गरीबों के लिए इतनी योजनाएं लाए तो चारों तरफ चिल्लाहट शुरू हुई थी, उद्योगों का क्या, व्यापार का क्या, एमएसएमई का क्या, सबसे पहले ये करो, बहुत लोगों ने मेरी आलोचना की थी। लेकिन मैं जानता हूं, इस संकट में गरीब का हाथ पकड़ना प्राथमिकता थी मेरी, और इसलिए हमने सबसे पहले गरीबों पर बल दिया था। इस योजना पर कुछ ही सप्ताह के भीतर करीब करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन 3 महीनों में 80 करोड़ गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। इसी तरह 20 करोड़ गरीब माताओं बहनों के जनधन खातों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए गए। गरीब बुजुर्ग माताओं बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1,000 रुपये की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी गई। सोचिए, अगर घर घर जाकर आपके जनधन खाते न खुलवाए गए होते, मोबाइल से इन खातों और आधार कार्ड को जोड़ा नहीं होता, तो ये संभव होता क्या? इतने कम समय में रुपये योजनाएं पहुंचती क्या? और पहले का समय तो आपको भी याद है क्या होता था, पैसे ऊपर से चलता था तो आपके नाम से ही चलता था, लेकिन न कभी वो आप तक पहुंचता था, न कभी वो पैसा आपका होता था, पता नहीं कहां चला जाता था, कहां गायब हो जाता था। अब ये सब बदल रहा है। आपको सरकारी दुकान से अनाज की दिक्कत ना हो, इसके लिए एक देश एक राशन कार्ड योजना भी शुरू की गई है, यानी कि अब हमारे गरीब भाई बहन एक ही राशन कार्ड पर
देश के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में अगर उनको वहां जरूरत है तो वहां भी राशन ले सकेंगे। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इतने वर्षों से हमारे देश में कृषि और किसान को बेवजह के नियमों और कानूनों से बांधकर रखा गया था। आप सब किसान साथी जो सब मेरे में सामने बैठे हैं, आप तो खुद ही इतने सालों से इस बेबसी को महसूस कर रहे होंगे। किसान अपनी फसल कहां बेच सकता है, अपनी फसल को स्टोर कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये भी तय करने का अधिकार किसान को नहीं दिया गया था। इस तरह के भेदभाव वाले कानूनों को हमने 2 सप्ताह पहले खत्म कर दिया है। अब आप कहां फसल बेचेंगे ये सरकार तय नहीं करेगी, बाबू लोग, अधिकारी लोग तय नहीं करेंगे, बल्कि आप, मेरा किसान खुद तय करेगा। अब किसान अपने राज्य के बाहर भी अपनी फसल बेच सकता है और किसी भी बाजार में बेच सकता है। अब आप अपनी उपज का अच्छा दाम देने वाले व्यापारियों से, कंपनियों से सीधे जुड़ सकते हैं, उन्हें सीधे अपनी फसल बेच सकते हैं। पहले जो कानून फसल के स्टॉक करने पर रोक लगाता था, अब उस कानून में भी परिवर्तन कर दिया गया है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत पैकेज में किसानों की फसल रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बने, किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा जाए, इसके लिए भी 1,00,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की गई है। जब किसान बाजार से जुड़ेगा तो अपनी फसल को ज्यादा दामों पर बेचने के रास्ते भी खुलेंगे। आपने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक और फैसले के बारे में भी सुना होगा। आपके गांवों के पास, कस्बों और छोटे शहरों में स्थानीय उपज से अलग 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 उत्पाद बने, पैकिंग वाली चीजें बने, इसके लिए उद्योग समूह बनवाए जाएंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ किसानों को होने जा रहा है। अब जैसे खगड़िया में मक्का की फसल कितनी अच्छी होती है, लेकिन अगर किसान मक्के के उत्पाद बनाने वाली कंपनियों से सीधा जुड़ जाए, खगड़िया की मक्का के लोकल प्रोडक्ट तैयार हो, तो कितना फायदा होगा। इसी तरह बिहार में मखाना है, लीची है, केला है, हमारे यूपी में आंवला है, आम है, राजस्थान में मिर्च है, मध्य प्रदेश की दालें, उड़ीसा झारखंड में वनों की उपजें, ये हर जिले में ऐसे अनेक लोकल उत्पाद है जिनसे जुड़े उद्योग पास में ही लगाए जाने की योजना है। साथियों, बीते 6 वर्षों से लगातार चल रहे इन सभी प्रयासों का एक ही उद्देश्य है, हमारा गांव, हमारा गरीब अपने दमखम पर खड़ा हो, सशक्त हो, हमारे किसी गरीब मजदूर किसान को किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। आखिर हम वो लोग हैं जो सहारे से नहीं, श्रम के सम्मान से जीते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान से आपके इस आत्मसम्मान की सुरक्षा भी होगी और आपके श्रम से आपके गांव का विकास भी होगा। आज आपका ये सेवक और पूरा देश इसी सोच के साथ, इसी संकल्प के साथ आपके मान और सम्मान के लिए काम कर रहा है। आप काम पर निकले, लेकिन मेरा ये भी अनुरोध है कि जरूरी सावधानी भी रखें। मास्क लगाने का
गमछा या चेहरे को कपड़े से ढकने का, स्वच्छता का और दो गज की दूरी के नियम का पालन कभी भी भूलना नहीं है। आप सावधानी बरतेंगे तो आपका गांव, आपका घर इस संक्रमण से बचा रहेगा। ये हमारे जीवन और हमारी आजीविका दोनों के लिए बहुत जरूरी है। आप सब स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए और आपके साथ देश भी आगे बढ़े, इसके लिए मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों का आभारी हूं, विशेष रूप से बिहार सरकार का आभारी हूं इस अत्यंत महत्वपूर्ण काम की योजना करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए। आपके साथ और समर्थन के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री को गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ करने हेतु धन्यवाद देती हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं अन्य अतिथियों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु धन्यवाद देती हूं।